हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनांस मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। सो बाइनांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत तरीके की क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। तो सबसे पहले गाइस, हम समझ लेते हैं मार्जिन ट्रेडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम इसके थ्रू बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बेसिकली गाइस, स्पॉट ट्रेडिंग में जब भी हम कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं तो हमारे पास जितना अमाउंट होता है सिर्फ उतने का ही हम बाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपके स्पॉट वॉलेट में $100 है और आपने किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया। अब कुछ दिन बाद या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस क्रिप्टो करेंसी में 5% का प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, तो आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो सिर्फ $5 का ही होगा। बट अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग यूज करते हो तो यहां पे आपको 10x तक का लेवरेज मिलता है। मतलब जितना पैसा आपके पास है उससे 10 गुना ज्यादा तक की पोजीशन आप ले सकते हो, और इस कंडीशन में आपका जो प्रॉफिट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ $100 है और आपने $500 की पोजीशन ले ली। अब 5% का इंक्रीमेंट हुआ उसके प्राइस में, तो आपको $25 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्जिन ट्रेडिंग एक ऐसा ही तरीका है जहां पे एक्सचेंज आपको ट्रेडिंग करने के लिए पैसे देता है एज अ बोरोइंग फंड, एंड उन फंड्स के थ्रू आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने के बाद आपको उन पैसों का रीपेमेंट करना होता है, मतलब वापस करना होता है, और जो पैसे एक्सचेंज आपको देता है उसके लिए कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। आवरली इंटरेस्ट यहां पे आपको देना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता है। सो क्रिप्टो ट्रेडिंग के दौरान आपको कभी ना कभी लगा होगा कि यार मेरे पास फंड्स कम थे, अगर ज्यादा होते तो मैं और ज्यादा बड़ी पोजीशन लेता जिससे मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होता। तो मार्जिन ट्रेडिंग आपकी हेल्प कर सकता है यहां पर। बट यहां एक चीज और है कि अगर आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपका लॉस भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आपका 5% का लॉस होता है तो वो भी 3 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मार्जिन ट्रेडिंग में जहां पर प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पर लॉस के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, तो रिस्क फैक्टर को भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बाइनांस ऐप पर मार्जिन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक KYC वेरीफाइड बाइनांस अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास बाइनांस का अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो बाइनांस पर साइन अप करने के बाद गाइस, आपको बाइनांस पर मार्जिन अकाउंट ओपन करना होगा। जैसे ही आप मार्जिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा, कुछ एग्रीमेंट्स आएंगे, आपको टिक कर देना है, ओके कर देना है, आपका मार्जिन अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मार्जिन ट्रेडिंग को और अच्छी तरीके से समझने के लिए चले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, जहां पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपको यहां पर पैसे बोरो करने, कैसे रीपेमेंट करना है, कैसे कोई ट्रेड ओपन करना है, कैसे आपको शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाने हैं। सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर करी है, तो वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, बहुत ही ध्यान से समझना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए एंड कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। ओके, सो यहाँ पे गाइज मैंने ओपन कर लिया अपना बाइनांस का एप्लीकेशन एंड मैं आ चुका हूँ होम पेज पे। बाइनांस मार्जिन ट्रेडिंग को आप कई जगह से एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड नीचे स्क्रॉल करो, ट्रेड वाले सेक्शन में आपको मार्जिन ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड या फिर आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो, आपको डायरेक्टली ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सारे ट्रेडिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, फियर ट्रेडिंग। तो मार्जिन ट्रेडिंग के लिए आपको सिंपली मार्जिन पे क्लिक करना है, आपके सामने मार्जिन ट्रेडिंग का इंटरफेस आ जाएगा। अब मार्जिन ट्रेडिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप एक्सचेंज से पैसे बोरो करते हो ट्रेडिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप किस पेयर में ट्रेड करना चाहते हो। इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको वो सारे ट्रेडिंग पेयर्स मिल जाएंगे जिनमें कि आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो, जो क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है मार्जिन ट्रेडिंग के लिए। तो जैसे मुझे यहां पर BTC और USDT में ट्रेडिंग करनी है तो मैं BTC और USDT सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद गाइज यहां पे आपको चार्ट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके करंट टाइम का चार्ट भी देख सकते हो कि उस क्रिप्टो करेंसी का करंट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। अब गाइज आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है मार्जिन सेलेक्ट करने का, क्रॉस मार्जिन एंड आइसोलेटेड मार्जिन। अब ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो। फ्यूचर ट्रेडिंग जिन लोगों ने करी है उनको ऑलरेडी पता होगा क्रॉस मार्जिन एंड आइसोलेटेड मार्जिन के बारे में, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि क्रॉस एंड आइसोलेटेड क्या होता है। क्रॉस मार्जिन के अंदर जब भी आप कोई पोजीशन ओपन करोगे, उस पोजीशन में मान लीजिए $10 आपके हैं, $20 बाइनांस के हैं, पर्टिकुलर उस पोजीशन के लिए जो आपकी मैक्सिमम लॉस की कैपेबिलिटी होगी वो $10 की होगी, बिकॉज $10 ही आपके हैं, बाकी तो बाइनांस के हैं। अगर आपका लॉस $10 के ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, आपका लॉस बुक हो जाएगा। बट अगर आपके क्रॉस मार्जिन वॉलेट में आपने और USDT डिपॉजिट कर दिया या फिर उसमें और USDT है, तो आपका जो लॉस बियर करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर आपके $10 आपके क्रॉस मार्जिन वॉलेट में है और आपने $10 की पोजीशन ली है, तो आपका जो टोटल लॉस बियर करने की कैपेसिटी होगी वो $20 की होगी। जब आपका लॉस आपके टोटल कोलैटरल के इक्विवेलेंट हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, तभी आपकी पोजीशन लिक्विडेट होगी, अदरवाइज आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। यहीं पर अगर हम बात करें आइसोलेटेड मार्जिन की, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आपने जिस पोजीशन में जितना पैसा लगाया आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा। आपके आइसोलेटेड मार्जिन वॉलेट में कितना भी पैसा
पैसा हो वो आपकी पोजीशन को लिक्विडेट होने से बचा नहीं पाएगा। तो एक तरीके से आइसोलेटेड मार्जिन आपको ज्यादा लॉस से बचा सकता है, लेकिन अगर आप पोजीशन होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस है। बाकी आइसोलेटेड के पेयर्स भी अलग हैं, आपको ट्रेडिंग करने के लिए अलग तरीके से डिपॉजिट करना होता है। एंड क्रॉस मार्जिन में आप अगर यूएसडीटी या कोई एक क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करते हो तो उसके थ्रू आप कई सारी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। तो मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम लोग क्रॉस मार्जिन को ही सेलेक्ट करते हैं बिकॉज ये ज्यादा कन्वीनियंट है और इजी टू यूज है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मार्जिन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस बाइनांस मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर क्रॉस मार्जिन के अंदर आपको 3x का लेवरेज देता है एंड आइसोलेटेड में आपको 10x तक का लेवरेज मिलता है। बट क्रॉस मार्जिन में 3x का लेवरेज मिलता है और मेरे हिसाब से वो काफी सही है ट्रेड करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्रॉस मार्जिन ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर बोरो का ऑप्शन मिलता है, आप मैनुअली बोरो कर सकते हो। अगर आपके पास 10 USDT है तो 3x के लेवरेज के हिसाब से आपको 20 USDT बाइनांस दे देगा ट्रेड करने के लिए। टोटल आप 30 USDT की पोजिशन ले पाओगे। एंड ये जो बोरो होता है इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिक आप ट्रेडिंग के टाइम भी कर सकते हो। एंड बोरो आप तभी कर पाओगे जब आपके मार्जिन वॉलेट में पैसे होंगे। जितने पैसे होंगे उसके हिसाब से ही आपको बोरोइंग अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही कि हमें अपने मार्जिन वॉलेट में कुछ फंड ट्रांसफर करना होगा। इसके लिए गाइज हम अपने वॉलेट वाले ऑप्शन में आएंगे। एंड यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो आपका स्पॉट वॉलेट है, फंडिंग वॉलेट है, मार्जिन वॉलेट है, फ्यूचर्स वॉलेट है। तो जिस भी वॉलेट से आपको अपने मार्जिन वॉलेट में ट्रांसफर करना है कर सकते हो। तो मार्जिन वॉलेट में अभी आप देख सकते हो मेरे पास $0 है। एंड यहाँ पर भी आपको क्रॉस वॉलेट और आइसोलेटेड वॉलेट मिल जाते हैं, जिसमें आपको ट्रेड करना है आपको उसी में ट्रांसफर करना है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मार्जिन में ट्रेड करने वाले हैं, तो हम क्रॉस सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप जिस भी वॉलेट से ट्रांसफर करना चाहते हो वो फॉर्म में रखो और क्रॉस मार्जिन में ट्रांसफर कर लो। तो हम यहाँ पे USDT ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, USDT सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जितना भी आपको ट्रांसफर करना है वो अमाउंट आपको एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे 50 USDT ट्रांसफर करने वाला हूँ अपने स्पॉट वॉलेट से, तो मैं यहाँ पे 50 एंटर कर दूंगा। इसके बाद गाइस हम कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, हमारे स्पॉट वॉलेट से 50 USDT हमारे मार्जिन वॉलेट में आ जाएंगे। एंड ट्रांसफर पे कोई फीस नहीं लगती, आप जितना चाहो उतना ट्रांसफर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे आपको बोरो एंड रीपे का भी ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो यहाँ से बोरो कर सकते हो। जैसे मेरे पास 50 USDT है ट्रेड करने के लिए, अब मुझे बोरो करना है तो मैं बोरो वाले बटन पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ से USDT मेरे पास है और USDT मैं बोरो करना चाहता हूँ, तो USDT हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम बोरो अमाउंट दिखा रहा है 100 USDT। जैसा कि मैंने आपको बताया क्रॉस मार्जिन में आपको 3x का लेवरेज मिलता है। अगर आपके पास $10 है तो आप $30 की पोजीशन ले पाओगे, इसलिए यहाँ पर हमें $50 के ऊपर $100 का मैक्सिमम बोरो अमाउंट मिल रहा है। तो मैक्स पे हम एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे, ये पैसा हमारे मार्जिन वॉलेट में आ जाएगा, फिर उससे हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड वो पोजीशन क्लोज करने के बाद वापस से जब हमें रीपे करना होगा अपना पैसा, तो वापस से हम रीपे पे क्लिक करेंगे और जितना हमारा डेट होगा, जितना पैसा हमने यहाँ से लिया होगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम रीपेमेंट के सामने लिखकर। हम मैक्स पे क्लिक करेंगे और वो रीपेमेंट कर देंगे विद इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोरो एंड रीपे करते हैं, बट ऑटोमेटिक कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए गाइज हम आ जाएंगे अपने ट्रेड वाले ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे गाइज अब समझते हैं ट्रेडिंग इंटरफेस को। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप मिलता है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, नॉर्मल, ऑटो बोरो एंड ऑटो रीपे। तो अगर आपने मैनुअली ऑलरेडी बोरो करके रखा है तो यहाँ पे आपका जो अवेलेबल बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमने बोरो नहीं किया है इसलिए मेरा जो एक्चुअल बैलेंस है 50 USDT वही दिखा रहा है। तो अगर हम नॉर्मल बाय करेंगे तो ये एक स्पॉट ट्रेड की तरह ट्रीट की जाएगी, हमें कोई भी लेवरेज नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटो बोरो सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम ऑटो बोरो सेलेक्ट करेंगे आप देख सकते हो हमारा जो $50 का बैलेंस था वो ऑटोमेटिक अपडेट होकर $150 हो चुका है। अब हम यहाँ पर $150 की पोजिशन ले सकते हैं, आप चाहो तो लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसा कि फ्यूचर्स में होता है। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप इस प्राइस पे बाय कर लो, या फिर अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आप पहले सेल करो, बाद में भी बाय करके पोजीशन क्लोज कर सकते हो और उसमें जो डिफरेंस आएगा उससे आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बाय करके दिखाने वाला हूँ, तो ऑर्डर टाइप में मैं मार्केट रखूंगा बिकॉज मुझे इंस्टेंटली बाय करना है। इसके बाद गाइस आप जितने भी अमाउंट की बाइंग करना चाहते हो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मैं 100% जितना भी अमाउंट है उसका बाय करना चाहता हूँ, तो मैं 100 पे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक सारा अमाउंट एंटर हो जाएगा। बाय BTC पे क्लिक करेंगे और इसे कंफर्म करेंगे तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारी बाइंग कंप्लीट हो जाएगी। अब गाइस अगर हम हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर फिल्ड हो चुका है $44,129 के प्राइस पे। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती हैं। वापस से हमें बैक कर पोजीशन वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड यहाँ पे हमें हमारी पोजीशन दिख जाएगी। टोटल कितने अमाउंट की पोजीशन हमने ले रखी है, 0.003 BTC की हमने पोजीशन ली है और इस पोजीशन की जो टोटल USDT में वैल्यू है वो है 150 USDT। तो यहाँ पे जो हमने पोजीशन ली है इसमें $50 हमारे हैं, $100 बाइनांस के हैं। अगर हमारा
स्क्वायर लॉस $50 के इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा होता है तो बाइनांस ऑटोमेटिकली पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा और अपना पैसा निकाल लेगा विद इंटरेस्ट। और अगर हम प्रॉफिट में जाते हैं तो डेफिनेटली जब भी हम सेल करेंगे तो बाइनांस अपना $100 ही वापस लेगा और आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो आवरली बेस्ड होता है, आपको हर घंटे के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। टॉप पे आपको रिस्क रेशियो का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है एट मार्जिन लेवल लोअर और इक्विवेलेंट देन 1.1 लिक्विडेशन इज ट्रिगर टू रीपे द लोन। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मार्जिन लेवल होगा अगर वो 1.1 से कम या उसके इक्विवेलेंट होगा तो लिक्विडेशन हो सकता है और जो हमने बोरो किया है पैसा बाइनांस से वो ऑटोमेटिक निकाल सकता है। अब मार्जिन लेवल क्या होता है उसको भी नीचे डिफाइन किया गया है, टोटल एसेट वैल्यू बाय टोटल बोरोड अमाउंट प्लस अनरीपेड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये कि टोटल एसेट वैल्यू, जैसे हमने यहां पर $150 की पोजीशन ली है, टोटल बोरोड अमाउंट है $100 प्लस अनरिपेड इंटरेस्ट, तो हम यहां पर 150 को 100 प्लस इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा मार्जिन लेवल होगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो मार्जिन लेवल आ रहा है वो 1.5 आ रहा है, तो 1.5 करंट लेवल है हमारा। अगर ये 1.1 होता है तो हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। और वही यहां पर दिखा रहा है रिस्क रेशियो 1.49 अभी हमारा है, अगर ये 1.1 जाता है तो हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। तो यह गाइस रिस्क रेशियो जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गाइस आप जब तक चाहो इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, जब भी आप सेल करोगे तो बाइनांस को अपना 100 USDT वापस करना होगा एंड जो इंटरेस्ट उनका बनेगा वो भी आपको वापस करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको सेल करना है। तो सेल करने के लिए गाइस आपको सेल वाला बटन क्लिक करना है एंड टॉप पे अगर आप सेल करके फिर रीपेमेंट करना चाहते हो तो आप नॉर्मल पे भी सेल कर सकते हो, या फिर आप इंस्टेंटली ऑटो रीपे करना चाहते हो तो आप ऑटो रीपे का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। जैसे आप ये पोजीशन सेल करोगे बाइनांस ऑटोमेटिक अपने 100 USDT ले लेगा विद इंटरेस्ट। तो मैन्युअली रीपे करने से अच्छा है आप ऑटो रीपे सेलेक्ट कर लो, इससे आपको कोई भी झंझट नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका रीपेमेंट हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपको अमाउंट एंटर कर देना है जितना भी आप सेल करना चाहते हो, मैं यहाँ पे 100% सेल करना चाहता हूँ तो मैं 100% एंटर कर दूंगा। देन गाइस हम सेल BTC पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप तो हमारी जो टोटल पोजीशन थी वो जीरो हो चुकी है, हमने अपने एसेट सेल कर दिए हैं। एंड वापस से अगर अपने मार्जिन वॉलेट में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी USDT जितने भी हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब चाहो तो आप इसको वापस से अपने स्पॉट वॉलेट में ले जा सकते हो या जहां चाहो वहां मूव कर सकते हो। इसी तरह गाइस आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग में आपको पहले हाई प्राइस पे सेल करना होता है, उसके बाद गाइस आपको लो प्राइस पे बाय करना होता है एंड वहां पर जो डिफरेंस आता है प्राइस में वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो बियर मार्केट में भी आप शॉर्ट सेलिंग का यूज करके मार्जिन ट्रेडिंग के थ्रू पैसे बना सकते हो। तो यही है गाइस सिंपल सा तरीका बाइनांस पर मार्जिन ट्रेडिंग करने का। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको समझने में आपको टाइम लग सकता है, इसलिए जब आप प्रैक्टिकली इसे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। एंड मार्जिन ट्रेडिंग रिस्की भी है, तो यहाँ पे आपको जब तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती हैं तब तक आप बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे मत डालना। आप बहुत ही छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करना एंड देन आप अपने अमाउंट को इंक्रीज करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप मार्जिन ट्रेडिंग में लेवरेज का फायदा उठाकर ट्रेड कर सकते हो एंड ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। बाकी यार बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही तो हमें लेवरेज मिलता है, इससे अच्छा हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर ले। तो गाइस मैं आपको बता दूं फ्यूचर ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर का मार्केट पूरा अलग होता है, वहां पे जो BTC का या जो भी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस होता है वो भी अलग होता है एंड वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है एंड वहां पे लेवरेज ज्यादा होने के कारण रिस्क भी ज्यादा रहता है। बट जो मार्जिन ट्रेडिंग का मार्केट होता है वो आपके स्पॉट मार्केट के सिमिलर होता है, यहां पे आपके बिहाफ पे कोई ट्रेड नहीं करता है, आप फंड्स बोरो करते हो और उसके बाद आप खुद ट्रेड करते हो। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर्स में आपके बिहाफ पे आपका एक्सचेंज ट्रेड करता है और उसके हिसाब से आपके प्रॉफिट्स एंड लॉस होते हैं। दोनों के अलग अलग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो। बट हाँ नॉलेज हर चीज का होना चाहिए, तो मार्जिन ट्रेडिंग भी आप सीख लेना ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड बाइनांस मार्जिन ट्रेडिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।